मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एक बिल्डर ग्यासुद्दीन शेख और फिरोज मुल्ला पर अनीश गफ्फार खान नाम के एक शख्स ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले में हमने बिल्डर ग्यासुद्दीन और अनीश गफ्फार शेख इन दोनों लोगों से बातचीत की है और ये बातचीत हम आपको सुनाएंगे कि दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। ठाणे के रहने वाले अनीश गफ्फार खान ने बताया कि वीरानी पेट्रोल पंप के नज़दीक उनकी एक मेडिकल स्टोर थी जिसे मनपा ने कार्रवाई के दौरान तोड़ दिया था, मगर बाद में मनपा ने उन्हें दुकान बनाने के लिए परमिशन दे दिया था और उन्होंने यहां पर दुकान जो है बनाने के लिए बिल्डर ग्यासुद्दीन और उनके भाई परवेज से संपर्क किया था और इस बीच में जो है फिरोज़ मुल्ला भी शामिल थे। इन लोगों के बीच में उनका भी बातचीत के दौरान सहयोग था। अनीस और ग्यासुद्दीन शेख के बीच में दुकान बनाने को लेकर सहमति भी हुई, एग्रीमेंट वगैरह भी कुछ बनाए गए, मगर अनीस का आरोप है कि ग्यासुद्दीन शेख ने उनसे करीब 26.5 लाख रुपए लिए हैं जो लौटा नहीं रहे हैं। 10 महीने से ग्यासुद्दीन शेख जो है वो अनीस को दौड़ा रहे हैं सिर्फ 8 लाख रुपये और एक सकीना इमारत में फ्लैट देने की बात की थी और 12 लाख रुपए का चेक भी ग्यासुद्दीन ने दिया था, लेकिन कहा था कि वो जो है चेक बैंक में ना डाले। मगर और जो अनीस है उनका ये भी कहना है कि उन्होंने चेक बैंक में नहीं डाला और जो फ्लैट इन्हें देने के लिए बात हुई थी वो जब वहाँ पहुँचे तो उसमें भी कोई हैवी डिपॉजिट पर रह रहा था। इस पूरे मामले में अनीस के हिसाब से अभी जो ग्यासुद्दीन शेख हैं ये 17 लाख रुपया जो है अनीस का बकाया है, ऐसा अनीस का कहना है। मगर वहीं ग्यासुद्दीन शेख और फिरोज़ मुल्ला ने बताया कि अनीस का जो भी पैसा बाकी था वो दे दिया गया है। वहीं ग्यासुद्दीन बिल्डर ने ये भी बताया कि अनीस जो है वो अभी ग्यासुद्दीन का ही 5 लाख रुपया बाकी है। वह दोनों तरफ से लेन देन के पैसों के लेन देन के और जो उनके बीच में समझौते हुए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। बिल्डर ग्यासुद्दीन ने कहा है कि किसी भी तरह का फ्रॉड उन्होंने नहीं किया है और हमने ग्यासुद्दीन और फिरोज़ मुल्ला और अनीस गफ्फार खान से भी बात की है, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप अनीस गफ्फार खान का पक्ष आप सुने, उसके बाद बिल्डर ग्यासुद्दीन और फिरोज़ मुल्ला ने भी अपना पक्ष जो रखा है वो भी आप सुने। देखिए, मेरा नाम है अनीस गफ्फार खान, मेरी रिहाइश थाना में है। फिरोज भाई ने मेरे को तसल्ली दी कि देखो गयास भाई तुम्हारी दुकान बना देंगे, बस वो बनाने की उम्मीद लेकर मैं फिरोज भाई से मीटिंग करके गयास भाई के पास आ गया। गयास भाई ने मेरे से सवाल किए, बोले अनीस भाई जगह अपनी कितनी थी, मैं बोला 330 स्क्वायर फीट का आज भी टैक्स भर रहा हूँ मैं और मेरी खरीदी खत की जगह है, कॉरपोरेशन ने ये परमिशन मुझे दी है। तो बोले एक काम करता हूँ मैं 330 फुट पूरी बनाऊंगा और तुमको मनपा ने जो 120 दिए वो 120 मैं आपको दे दूंगा और बाकी की जगह मैं ले लूंगा। उसके बाद में उन्होंने ये पावर मेरे से बना के लिए दुकान बनाने की, बोले हमको अनीस भाई राइटिंग में पावर दो तो हम बनाएंगे। मैंने ये राइटिंग में उनको पावर लिख के दे दी। वो 25 लाख रुपये लेके जब मैं गयास को देने के मूड में आया तो फिरोज ने मेरे को बोला, बोले अनीस भाई 25 लाख दे रहे हो, पहले एग्रीमेंट वगैरह सब बनवा लो। तो उन्होंने क्या किया, इनकी एक दुकान है यहां पर काकानगर में पुनेरी चाय, उसके पूरे पेपर्स मुझे दिए गए और मुझे तसल्ली दी गई कि अनीस भाई तुम्हारे हम पैसे लौटाएंगे। टाइम पीरियड लिया गया 3 महीने का, 3 महीने का टाइम पीरियड जब लिया गया तो फिर मुझे उन्होंने इसी के एवज में 26.5 लाख रुपए के बाकायदा उनके अकाउंट के चेक दिए गए। एक अकाउंट में तारीख भर दी गई थी, मैं बोला भाई तारीख क्यों भर दी है, तुम 3 महीने बाद पैसा देने वाले हो, तो उन्होंने बोले नहीं दूसरा चेक ले जाओ। ये दोनों भी ओरिजिनल चेक मेरे पास पड़े हुए थे। अब मसला ये हुआ कि वो दुकान मुझे जब मालूम पड़ा, मैं दुकान के करीब गया तो मुझे मालूम पड़ा कि 15 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट में उसमें आदमी मौजूद है। फिरोज भाई के हाथ में जब मैंने पेपर दिया तो फिरोज भाई बोले जाओ अनीस भाई पेपर तो मैंने देख लिया सब बराबर है, जाओ उनके ऑफिस पे नूरानी पे, तुमको वहां पे वो पैसे दे रहा है जो आपने 25 लाख दिए थे वो पैसे दे रहा है, यहां देने की बात थी।
अब जैसे मैं आया भाई इधर दुकान उनके ऑफिस में, देखा तो भाई गैस भाई बैठे हुए थे अंदर। गैस भाई ने बिठाया मेरे को, अच्छा अकेले में बैठे हम लोग, ऑफिस बंद थी। उन्होंने एक कबट खोला, उसमें से एक बैग निकाल के मेरे हाथ में दिया। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें 8 लाख रुपया कैश निकला। 25,000 मुझे झूठ नहीं बोलना है, 8 मुझे मिला है, मिला है, मिला है। अब बचे 17 लाख रुपया उसमें से। अब ये 26.5 का मामला ऐसा है कि 1.5 लाख रुपया जो ऊपर वो लोग मांग रहे थे, लेकिन वो तो देना इसने दूर ही रखा है। भाई तू मुद्दल तो दे दे यार। 17 लाख रुपये के लिए भाई मैं बहुत दौड़ा। तो उसने क्या किया, उसके बाद में एक दिन मुझे ऑफिस में बुलाकर एक 12 लाख रुपये का चेक दे दिया मुझे, जो चेक अभी तक मौजूद है मेरे पास। ये 12 लाख का चेक देते वक्त में मुझे बोला कि भाई इसको बैंक में डालना नहीं, तुमको मैं कैश दूंगा। ये चेक दिया गया 31/5/2021 को। तो आपने बैंक में नहीं डाला? नहीं, उन्होंने बोला भाई मत डालना, मैं पैसे दे रहा हूं। पीए दिए नहीं, आज देता कल देता, एक हफ्ता और रुको, दो हफ्ता रुको, चेक की डेट एक्सपायर हो गई। पैसा मिला? पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिलने के बाद मैं सीधा उठ के चला गया अपने डीसीपी साहब के पास। मैं चला गया डीसीपी साहब के पास, अर्जी दिया उनको, वहां बैठा। 8 दिन टहलाने के बाद में फिर मेरे को 8 दिन के बाद में बोलता, आ जाओ तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार है। वो ये एग्रीमेंट है, इसमें 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट तीसरे माले का है, तीसरे माले का। पुनेरी चाय के पेपर फिरोज ने लेके उसके घर जब पहुंचा दिया, 8 लाख मुझे मिल गए। अब मेरे हाथ में कोई पेपर का जरिया बचा नहीं था, सो मैंने ये पेपर को बड़े मजबूरी में साइन करके मैंने उठाया हूं। इसके एवज में उन्होंने मुझसे 12 लाख के पैसे मिल गए, उसकी साइन लिया है। लेकिन ये कहां मिला है मुझे? अच्छा, यानी जो 12 लाख का आपको चेक दिया गया, हाँ, तो इसके बदले में, उसके बदले में ये जगह दी गई मेरे को। अच्छा, अब वो जगह मेरे घर से 5 लाख की भी नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ उनके पेपर और साइन फोटो चाहिए थे, मैंने हाँ करके ले लिया। सकीना कासर, जबकि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं, नहीं भाई 6 माले की है ही नहीं वहां पे। अब तीसरे माले पे जब मैं पहुंचा, इन्होंने तीसरे माले का एग्रीमेंट मुझे दिया है। जब मैं बिल्डिंग में तीसरे माले पे पहुंचा तो देखा वो घर में कोई फर्द 2.5 लाख रुपए हेवी डिपॉजिट पे मौजूद है। ग्यासुद्दीन भाई, एक अनीस नाम के व्यक्ति हैं जिनकी जमीन आपने डेवलप करने के लिए ली थी, तो उसमें कुछ पैसों का भी लेन देन हुआ था, करीब 25 लाख रुपए का। तो क्या मामला है? उनका ऐसा आरोप है कि अभी तक उनका पैसा उन्हें मिला नहीं। 20 लाख रुपए दिए थे हमको, 20 लाख पे 26,50,000 रुपया वो ब्याज था, 6.5 लाख रुपया ब्याज था। वो मेरा पेपर बता फिर मेरा पेपर, एक मिनट, 20 लाख रुपए अनीस अकबर खान ने इनको दिया था, मेरे सामने दिया है, और ये देने के टाइम पे एमओयू बना हुआ है जिसके अंदर अमाउंट है 26,500 रुपए। ये 26,50,000 ये अमाउंट है। इस अमाउंट के हिसाब से अनीस खान को पहला पेमेंट इन्होंने किया 8 लाख रुपए का रिटर्न, ये इसकी रिसीप है। उसके बाद उनको पेमेंट दिया गया है 12 लाख रुपए का, ये उसकी रिसीप है। ये 12 लाख रुपए का आपने उनको चेक दिया था ना? ये चेक दिया गया था, चेक रिटर्न लेके उनको कैश दिया गया। उनको कैश की जरूरत थी, किसी पार्टी को रिटर्न करना था, तो उनको कैश देके और एक फ्लैट का एग्रीमेंट दिया गया। 550 चेक आपने दिया था, आपने कहा था कि इस चेक को जो है आप बैंक में मत डालना। सबसे पहले क्लियर कर देता हूं मैं, क्या ये ना ग्यासुद्दीन का व्यवहार है ना ये मेरा व्यवहार है। ये व्यवहार जो इनके बड़े भाई का है परवेज अकबर शेख का, और ये जो मीडिया पे ट्रायल चला रहा है कि हम लोगों का एक नाम सिर्फ बदनाम करने के लिए चला रहा है, और कोई इश्यू नहीं है, उसको पेमेंट परवेज की तरफ से दिया गया है। नहीं, उनका कह रहा है कि 8 लाख रुपया आपने जब भेजा था ग्यासुद्दीन भाई के पास, तो वो यहाँ पहुंचकर ग्यासुद्दीन भाई ने 8 लाख रुपया उनको बैग में दिया, लेकिन 12 लाख रुपए का उनको बाद में चेक दिया गया था। चेक दिया गया था। ठीक है,
वो चेक कहा गया था कि आप बैंक में मत डालिएगा, हम आपको कैश देंगे। दिया उसका ना कैश। अगर आपने कैश दिया तो फिर चेक वापस क्यों नहीं लिया? चेक भी नहीं दिया उसने, और जो एग्रीमेंट लेगा उसको जेरोक्स तक के रखे नहीं दिया। एग्रीमेंट उसके वैसे पड़ा हुआ था, उससे लिखा कर ले लिया। आपने उनसे एक सकीना नाम की कोई इमारत है, सकीना मंजिल में आपने फ्लैट दिया था, लेकिन उस फ्लैट को भी हैवी डिपॉजिट पे आप लोगों ने दिया ना। 12 लाख उसकी कीमत है, तो उस फ्लैट की कीमत कितनी? 12 लाख रुपया। उसको देना कितना है मेरे को? 26,50,000। 20 लाख कैश दे दिया उसको मैंने, 6.5 लाख रुपया और देना है। बट उसमें से 12 लाख में 5.5 लाख रुपए मेरे को देगा। उनका तो कहना है कि फ्लैट भी नहीं मिला, 12 लाख मुझे मिला भी नहीं। नहीं नहीं, चेक दिए आपने, अगर आपने कैश दिया तो आप चेक वापस लेते ना। नहीं तो नहीं, तुम मुझे लाके दिए नहीं, चेक है उसकी। दोनों रसीद पे उसकी साइन है। दैट आफ्टर रिसीविंग The said amount, nothing has remained toward Mr. Parvez Akbar Sheikh. कितना 5 लाख का है ना? ये 12 लाख का। कितने तारीख है? 5/8। 5.5 लाख रुपए वो मेरे को लाके देगा, उसके बाद में वो फ्लैट में खाली करा दूंगा। पेमेंट उसके 32 लाख रुपए गया है, 5.5 लाख रुपए वो रिटर्न लाकर देगा। 32 लाख रुपए कैसे गया? 12, 12, 24, 24 और 8। 26 लाख रुपए तो आप लोगों को उसने दिया था ना, जिसमें से आपने एक बार 8 दिया। नहीं, 20 लाख रुपए दिया, 6.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का पैसा है। हाँ। और ऐसा मिला के 26,50,000 अमाउंट हो रहा है। हाँ। उसके पास जो हमारा अमाउंट गया है 32,000 का गया, 32 लाख का गया हुआ है। एक बार 8 लाख दिए, एक बार 8 लाख दिए, 12, 12, 24, 12 लाख, एक बार 8 दिए, एक बार 12 लाख का चेक दिए, कैश भी 12 लाख दिए। जब 8 लाख दिए थे ना उनको पहला पेमेंट। हाँ। तो मैंने 12 लाख का चेक दिया था उनको, उनको चेक डालने मना करा था, चेक डालने में आपको कैश दूंगा, वो चेक उनके पास ही पड़ा है। दोबारा जब मैंने पेमेंट दिया हूँ अगस्त महीने में, तो उसका मैंने 12 लाख कैश दिया हूँ, उनकी रसीद दिया हूँ, और एक फ्लैट उसी दिन उनको लिख के दिया हूँ, एग्रीमेंट उनके पास पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि एग्रीमेंट उनके पास है, लेकिन फ्लैट आज तक उनको मिला नहीं। मिलेगा 5.5 लाख रुपए लाके देगा तो मैं खाली कराऊंगा ना। खाली करेंगे, हैवी डिपॉजिट, हैवी डिपॉजिट पे हो, 2.5 लाख पे, 2.5 लाख हैवी पे है, लाके 5.5 लाख दे, कल खाली करके दूंगा उसमें से, या वही खाली करा, वो पैसा दे दे उसको, बाकी का पेमेंट लाके मेरा दे दे मेरे को 3 लाख रुपया। जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया था वो क्या बोले? कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए उसका कोई पैसा नहीं था, यही पैसा था। अच्छा। इसी के लिए लिए थे, लेकिन वो सौदा हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं, वहाँ डिस्प्यूट साइड थी, वो हम ही डोंगरे का उस पर डिस्प्यूट था, इसके लिए हमने साइड बनाई नहीं, वो ऐसे ही छोड़ दिया हमने साइड। पैसा हम लोग की तरह दूसरे का यूज हुआ था हमारा, तो उसका पैसा देना था, हमने पूरा पैसा दे चुके उसको। उनका इस कारण क्या, आप उनको लगातार घुमाते रहे बार बार और जुगाड़ करके उनसे पैसे लिए, लेकिन उसके बाद भी आपने उनका काम नहीं किया? नहीं किया ना। कोई चाय वाली की जगह थी, वहाँ भी उसको दिखाए थे आप लोगों ने? नहीं, वो तो मॉर्गेज रखा हुआ था, पैसा दिया तो मैं रिटर्न लूंगा ना उससे। ये जो 20 लाख रुपए दिया था उस पर मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी उसके पास, और ये जो मीडिया ट्रायल चला रहा है उसके अगेंस्ट में मैं डिफॉर्मेशन का केस भी डाल चुका हूँ, जितने चैनल्स वाले हैं अनीस गफ्फार खान पे, यूट्यूब इंडिया पे, हर जगह मैंने 10 लाख का डिफॉर्मेशन का केस डाला हूँ, और उसके अंदर मैंने प्लस ये 5.5 लाख रुपए है जो देना है, 500 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट दिया हूँ 12 लाख रुपए का, वो 5.5 लाख रुपए उस फ्लैट के अमाउंट में से वो रिटर्न करने वाला है, जो हम लोग उसको डिपॉजिट हैवी मेंटेनेंस में जो आदमी उसको खाली करा के रिटर्न देंगे। आप वापिस वाउचर देख लीजिए उनका, हमने पैसा कैसा दिया। आपके आप लोगों के ऊपर जो है अनीस नाम के व्यक्ति है, वो ऐसा बोल रहे कि आप लोगों ने फ्रॉड किया है उनके साथ। फ्रॉड हुआ है? एक आदमी चैनल पे बैठ के बोल रहा है, एयर पे बोल रहा है कि मैं ये 25 लाख रुपए कैश, 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट, क्या उसको राइट है इंटरेस्ट लेने का? उसको इंटरेस्ट लेना राइट है? आप लोगों के बीच में इंटरेस्ट की बात वगैरह हुई तो कुछ ऐसा लिखा पड़ी हुआ था? आपके आपके एक साथ वाले एक पत्रकार है रिजवी, उन्होंने फोन पे उनसे बात करी थी, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि 20 लाख रुपए कैश दिया गया है और 6.5 लाख रुपया इंटरेस्ट का है, और रिकॉर्डिंग उसके बाद न्यूज चैनल पे वो बोल रहा है 25 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट का है, ये पूरा इंटरेस्ट का पैसा उसको दिया गया है, जो पेमेंट देने में लेट फास्ट का डिफरेंस है
वो डिस्प्यूट में वो चाहता है कि जो 5.5 लाख रुपए मैं इनको देना है वो किसी भी तरह मैं हजम कर लूँ और मुझे फ्लैट भी मिल जाए। और वापिस से आप पेमेंट की रसीद देख लीजिए, कैसा कैसा पेमेंट दिया हो। पहले मई महीने में हम लोग पहला पेमेंट दिए 20 मई को, दूसरा पेमेंट अगस्त में दिए हम लोग 5 अगस्त को, जिस दिन फ्लैट दिए उस दिन पेमेंट दिए, कैश पेमेंट। सबके डॉक्यूमेंट्स है सब एक है आपके पास, ओरिजिनल दूंगा मैं आपको। तो अभी उनका लास्ट सवाल मेरा ही, अभी उनका कहना है कि उनके पैसे निकल रहे हैं करीब 16 से 17 लाख, और आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए वो और 5.5 लाख वो देंगे। निकलने के लीगल प्रोसीजर अगर उसके निकल रहे कहीं भी, वो लीगल जा सकता है, लीगल कंप्लेंट कर सकता है, कहीं लीगल सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने DCP को भी कंप्लेंट किया था, आप लोग गए थे वहाँ पर, वहाँ पर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये जो बोलना चाहिए। उसको 8 लाख रुपए दिए थे DCP साहब ने, हमको बुलाया गया उधर, उधर जाने के बाद हमारे सब ये रिसीव वगैरह सब देखे उन्होंने, 8 लाख का पेमेंट दिया गया था और बाकी ये पेमेंट DCP साहब ने हमको ये बोले कि आप लोग आपस में अगर सेटलमेंट करके क्लियर करते हो तो फिर ये मगजमारी सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने उनको आउट ऑफ मतलब बाहर बिठा के उनको सेटलमेंट कर दिए, उनका टोटल पेमेंट जो लेन देन था टोटल सेटल करके फ्लैट दे के कैश दे के उनको क्लियर कर दिए। पहला पेमेंट मई महीने में दिए हम लोगों ने, 20 मई को पहला पेमेंट 8 लाख का हुआ है, सेकंड पेमेंट दिए उसको कैश पेमेंट 5 अगस्त को दिए, और उसी 5 अगस्त को कितना दिए थे? 12 लाख रुपए कैश कैश या चेक दिए थे? कैश की रसीद है ना मेरे पास। और चेक ये कब दिए थे फिर? चेक पहला पेमेंट दिया था जब मैंने चेक दिया था, 8 लाख दिया था जब मैंने चेक दिया था 12 लाख का, इन्होंने चेक जब मैंने रिटर्न 8 लाख में जून अगस्त महीने में दिया तो मेरे को चेक ला के दिए नहीं, मैं भरोसे में छोड़ दिया हूँ, चेक तो पॉक हो गया, वो कुछ यूज का ही नहीं है। जो रूम खाली करा के देने की बात थी वो चाहता है कि 5.5 लाख रुपए मैं नहीं दूं इनको और वो रूम मुझे खाली करा के दे, इसलिए सब तमाशा कर रहा है और मीडिया ट्रायल चला रहा है। अगर वो लीगल है तो लीगल प्रोसीजर में जावे, हमारे ऊपर सिविल में जावे, हम जैसे जैसे हमारे ऊपर यूट्यूब वगैरह पे जो ट्रायल चल रहा है तो हमने जैसा मतलब लीगल के लिए गए और उसके बाद डिफॉर्मेशन मांगा गया है 10 लाख रुपए का, तो वैसा वो भी लीगल जा सकता है और लीगल आपने क्या केस वगैरह किए क्या दाखिल किया उस पर? क्या केस क्या दाखिल किया? डिफॉर्मेशन फर्स्ट पेमेंट का पे ये देखो, जबकि ये लेन देन परवेज अकबर शेख के नाम पे, हमारे नाम पे कोई लेन देन नहीं है। फर्स्ट पेमेंट ना ये